हाय एवरीवन, ये रास्ता भट्टा फॉल का काफी लोगों ने देखना चाहा होगा। यहाँ बोर्ड भी लगा है एक भट्टा फॉल का। भट्टा फॉल के लिए बोर्ड लगा है, मसूरी से शायद 3 या 4 किलोमीटर। नहीं है बट रास्ता अच्छा नहीं क्योंकि काफी कम लोग यहाँ तक मैनेज कर सकते हैं। इट इज लोकेशन जो अभी तक काफी हद तक लोगों के टच में नहीं है। काफी लोग जो भट्टा फॉल को पसंद नहीं करके कैम्प्टी फॉल जाते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा एक बार भट्टा फॉल आके देखो यार, अच्छी जगह है। मैं इस वीडियो के बाद भट्टा फॉल की भी एक छोटी सी वीडियो, एक क्लिप बना के डालूंगा कि एक्चुअल में कैसा है। बहुत ही कम लोग भट्टा फॉल आते हैं। वापसी रास्ता यही है। पहले गियर में जाएगी गाड़ी, पहले दूसरे गियर में रामते पहले में ही जाएगी। जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो यहाँ पे कभी कोई सड़क वड़क कुछ नहीं होती थी। पंकज हम भी हरियाणा के छोरे थे जानते एक्सप्लोरर सड़क बुंडी होवे कैसी भी होवे जानते एक्सप्लोरर। फर्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी लेके आया था ना तो मेरी थोड़ी यहाँ पे हवा खराब हुई थी हल्की सी, क्योंकि ये सड़क नहीं थी बिल्कुल भी यहाँ पे। जस्ट खाली कंक्रीट पड़ा हुआ था, उस पर गाड़ी स्लिप होने का थोड़ा डर होता था, बट अब तो खैर पक्की सड़क बन चुकी है। आप भी फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई? इट इज गुड। मैं मुक्तेश्वर गया था एक बार बाय कार और मेरे को वैसी सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज मुक्तेश्वर भी ऐसे ही है, बहुत ही पतली सड़क और साइड में 4 किलो की गिर खाई है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू मुक्तेश्वर एंड इज गुड, मजा आता है ऐसी जगह पे जाने में। देख रहे हो कोई ट्रैफिक नहीं है, हमें कोई रास्ते में कोई नहीं मिल रहा क्योंकि ये जगह भी लोगों से छुपी हुई है, थोड़ा रिमोटली है, लोग जानते नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आप नेचर में आ रहे हो तो एटलीस्ट आप ऐसी जगह आप यहाँ पे जरूर आओ। अगर मसूरी आ रहे हो तो एक बार भट्टा फॉल तो एटलीस्ट एक बार बनता है ना। इट इज वेरी मच क्लोज टू नेचर और बहुत ज्यादा लोग नहीं। थैंक यू वेरी मच।
एवरीवन।